नमस्कार जी, कैसे हैं आप? दोस्तों, जिस दिन हमारी मौत होती है, हमारा पैसा बैंक में ही रह जाता है। जब हम दोस्तों जिंदा होते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे पास खर्च करने को पर्याप्त धन नहीं है। जब हम चले जाते हैं, तब भी बहुत सा धन बिना खर्च हुए बच जाता है। दोस्तों, ज़्यादा ज़रूरी है कि अधिक धन अर्जन की बजाय अधिक जिया जाए। अच्छे व स्वस्थ शरीर के लिए प्रयास करिए। महंगे फ़ोन के 70% फंक्शन अनुपयोगी रहते हैं। महंगी कार की 70% गति का उपयोग नहीं हो पाता। आलीशान मकानों का 70% हिस्सा खाली रहता है। पूरी अलमारी के 70% कपड़े दोस्तों पड़े रहते हैं। पूरी जिंदगी की कमाई का 70% दूसरों के उपयोग के लिए छूट जाता है। 73% गुणों का उपयोग नहीं हो पाता, तो 33% का पूर्ण उपयोग कैसे हो? स्वस्थ होने पर भी निरंतर चेकअप कराएं, प्यासे ना होने पर भी अधिक पानी पिए। जब भी दोस्तों संभव हो, अपना अहम त्यागें। पावरफुल होने पर भी सरल रहें, धनी ना होने पर भी दोस्तों परिपूर्ण रहें। बेहतर जीवन जिएं, काबू में रखें दोस्तों प्रार्थना के वक्त अपने दिल को, काबू में रखें खाना खाते समय पेट को, काबू में रखें दोस्तों किसी के घर जाएं तो आँखों को, काबू में रखें महफिल में जाएं तो जबान को, काबू में रखें पराया धन देखें तो लालच को, भूल जाएं अपनी नेकियों को, भूल जाएं दूसरों की गलतियों को, भूल जाएं अतीत के कड़वे संस्मरणों को, छोड़ दें दूसरों को नीचा दिखाना, छोड़ दें दूसरों की सक्सेसफुल से जलना, छोड़ दें दूसरों के धन की चाह रखना, छोड़ दें दूसरों की चुगली करना, छोड़ दें दूसरों की सक्सेस पर दुखी होना। यदि आपके फ्रिज में खाना है, बदन पर कपड़े हैं, घर के ऊपर छत है और सोने के लिए जगह है, तो दुनिया के 73% लोगों से दोस्तों ज़्यादा धनवान हैं। यदि आपके पर्स में पैसे हैं और आप कुछ बदलाव के लिए कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ आप जाना चाहते हैं, तो आप दुनिया के 23% धनी लोगों में शामिल हैं। यदि आप आज पूर्णतः स्वस्थ होकर जीवित हैं, तो आप उन लाखों लोगों की तुलना में दोस्तों खुश नसीब हैं जो इस हफ्ते जी भी ना पाए। जीवन के मायने दुखों की शिकायत करने में नहीं है, बल्कि हमारे निर्माता को धन्यवाद करने के अन्य हजारों कारणों में है। यदि आप इससे सहमत हैं, तो आप उन करोड़ों लोगों में खुश नसीब हैं तो देख नहीं सकते और पढ़ नहीं सकते। अगर आपको यह बातें मेरी अच्छी लगी हो, तो आपको खुश होना चाहिए। और अगर कोई पूछे कि जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया, तो बेशक कहना जो कुछ खोया वो मेरी नादानी थी और जो भी पाया वो प्रभु की मेहरबानी थी। क्या खूबसूरत रिश्ता है मेरे और मेरे भगवान के बीच में। ज़्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं। दोस्तों, जीवन के बेहतरीन 3 मंत्र हैं। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। जीवन के मंत्र हैं दोस्तों। अगर आप अपने बच्चों में संस्कार डालेंगे, तो ये जीवन के मंत्र हैं। धीरे बोलिए, आपको दोस्तों शांति मिलेगी। अयम छोड़िए, बड़े बनेंगे। भक्ति कीजिए, मुक्ति मिलेगी। विचार कीजिए, ज्ञान मिलेगा। सेवा कीजिए, शक्ति मिलेगी। शयन कीजिए, देवत्व मिलेगा। संतोषी बनिए, सुख मिलेगा। दोस्तों, इतना छोटा कद रखिए कि कभी आपके साथ बैठ सके, और इतना बड़ा मन रखिए कि जब आप खड़े हो जाएं तो कोई बैठा ना रह सके। शानदार बात है दोस्तों, झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है, तब तक वह कचरा साफ करती है।
लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसीलिए हमेशा संगठन से बंधे रहें, बिखर कर कचरा दोस्तों ना बने। दोस्तों घर से कभी भी आप बाहर जाएं तो अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाएं, और जब लौट कर आएं तो उनसे जरूर मिलें, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का दोस्तों वेट रहता है। घर में यह नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो घर में मंदिर के पास 2 घड़ी खड़े रहकर प्रभु चलिए आपको साथ में रहना है मेरे दिन भर और मेरी रखवाली करनी है, ऐसा बोल कर ही निकले। ऐसे ही अपने बच्चों को जब स्कूल भेजें तब भी उन्हें भगवान के सामने खड़ा करें और उनसे ये बोलें कि मेरे बच्चों के साथ भगवान तुम साथ में रहना। बस में बैठें तब भी, और बस से जब लौट कर स्कूल में बैठे तब भी, जब लौट कर आएँ तब भी, ऐसा बोल कर ही निकलें। क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथ में क्यों ना पहने हो, पर समय तो प्रभु के हाथ में है ना। तो हमेशा यह याद रखें कि हमारा जीवन जो है वो भगवान की देन है, और हमें अच्छे संस्कार डालने हैं अपने बच्चों में और अपने जीवन में, जिससे हम खुशहाल बन सकें, हमारे बच्चे भी बढ़िया बन सकें और जीवन में हमेशा सक्सेस पा सकें। दोस्तों अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, जानकार लगी है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।